हेलो हाय नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आरती कुशवाहा और आज मैं आपके साथ वीकली स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। ये जो बैंड देख रहे हो इसके ऊपर बो बना था, जो कि मेरी मिष्टी मतलब मेरे डॉगी ने ना काट कूट के इधर उधर कर दिया। और आई रियली मिस हर यार, मम्मी के पास है वो, मेरे पास नहीं है। और ये अर्थदम का सबसे पहले क्लेंजिंग पैड मैं यूज़ करूँगी मेकअप को वाइप करने के लिए। नॉर्मली वाटर में डिप करके भी अपन मेकअप को रिमूव कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे हिमालय का प्यूरिफाइंग माइसिलर वाटर यूज़ करी हूँ। और ये जो माइसिलर वाटर है हिमालय का ना, ये जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं ना, अगर वो यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि छोटे छोटे दाने आ सकते हैं, तो भाई देख लेना। क्योंकि हिमालय का जो प्रोडक्ट होता है ना, मैंने नोटिस किया है कि कुछ प्रोडक्ट उनके बड़े भैया ऐसे हैं ना कि सूट नहीं करेंगे बहुत से लोगों को, मेनली सेंसिटिव वालों को। बट अगर आपके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट आप ट्राई करते हो इतनी जल्दी वो रिएक्ट नहीं करता या प्रॉब्लम नहीं होता, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। एंड आंखों के कॉर्नर साइड भी मैं जैसे हाइलाइटर होता है वो लगा लेती हूँ, या जो काजल वगैरह लगाया होता है वो अच्छे से रिमूव नहीं हो पाता है, तो मैं इसकी हेल्प से कुछ इस वे में मैंने ईयरबड लिया है, इसी पे माइसिलर वाटर लेके बहुत आराम से बहुत अच्छे से कर रही हूँ ताकि आंखों के अंदर ना जाए। अदरवाइज़ एक तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं, और अच्छे से अगर रिमूव नहीं होता ना तो मेरे मतलब इतनी ख़तरनाक थकावट लगती है ना यार। और मेरी आँखें इतना इरिटेट होती है ना बिकॉज ऑफ दिस, मतलब छोटा सा भी पार्टिकल अगर आसपास रह जाता है ना आँखों के, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एंड इवन जहाँ मस्कारा लगाया था वो भी मैं थोड़ा सा ध्यान दे के हटा रही हूँ। देख सकते हो ना यहाँ पे दिख रहा है ना कैसे काला काला हो गया, मतलब इतना मैं हटा नहीं पाती अगर मैं ध्यान से ना करूँ तो। इस स्टेज पर मुझे काफ़ी बेटर फील हो रहा था, स्किन लाइट वेट लग रही थी। अब मैं कोलाजिका का D10 फेस वॉश यूज़ करने वाली हूँ। ये एक्चुअली नया लॉन्च हुआ है कुछ टाइम पहले, पहली बार मैं यूज़ कर रही थी। आज की वीडियो में कुछ न्यू प्रोडक्ट भी मैं ट्राई करने वाली हूँ और मैं बताऊँगी भी कैसा एक्सपीरियंस रहा। ये कोलाजिका का D10 फेस वॉश जो है, इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी थी, लाइक जेल जैसी थी, और इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा रेडिश था जैसा आप देख रहे हो। और पहली बार में फर्स्ट एक्सपीरियंस में मुझे ये चीज़ मैंने ये देखा कि इसमें फोम नहीं बन रहा था। हो सकता है कि भाई पहली बार यूज़ कर रही हूँ ऐसा हो, पता नहीं, मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आई। और सेकेंडली काफ़ी ज़्यादा माइल्ड सी फ्रेगनेंस थी इसकी, और क्लीनिंग को लेकर मैं बात करूँ ना तो काफ़ी 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 अच्छा था यार। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो जो होता है ना यार क्लेंजिंग बाम जो होता है ना, बिल्कुल उसके जैसा फील हो रहा था। अच्छा, ये वाला जो फेस का एंगल है ना फोटोशूट के लिए सही नहीं है, पता नहीं क्यों वो वाला एंगल मेरा अच्छा नहीं आता। ये वाले साइड का सही आएगा वो वाला नहीं आता यार, पता नहीं क्यों। सेकंड न्यू प्रोडक्ट जो मैंने आज ट्राई किया था, ये गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मास्क। यू मस्ट हैव सीन कि मैं पील ऑफ मास्क बहुत बहुत रेयर यूज़ करती हूँ, आपने बस मेरे हिसाब से एक या दो वीडियो में देखा होगा बस, क्योंकि मुझे ना पील ऑफ मास्क स्किन केयर में इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। पर मैंने इसको ख़रीदा था, इसके बारे में काफ़ी सुना था कि ऐसा है वैसा है, तो मैंने सोचा चलो मंगा लेते हैं। काफ़ी पहले मैंने इसको मंगा के रखा था और आज मैं सोच रही थी कि चलो यार इसको ट्राई करते हैं। फर्स्ट चीज़ जो मैंने नोटिस की इसको लगाने में, मतलब लगा रही थी पहले तो मुझे लगा यार थिक सा लगाना पड़ेगा, मैंने ज़्यादा ही थिक लगा लिया था। और जब मैंने इसको लगाया था ना तो मेरे फेस पे मुझे जलन हो रही थी, मुझे लगा यार गुड वाइब्स के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं लगाने पे जलन करते हैं बाद में थोड़ा ठीक हो जाता है। और जब ये सूखा, मतलब प्रॉपर नहीं सूखा था क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा थिक लेयर इसकी लगा दी थी, मैंने वेट किया था 20 मिनट या उससे ज़्यादा वेट किया था क्योंकि थिक लेयर मैंने लगा दिया था। और जब स्किन को ऐसे खींचो ना पील ऑफ मास्क जब लगाने के बाद ये चीज़ करते हैं ना, तो भैया आँख से आंसू निकल आते हैं, और इसीलिए मुझे ये पील ऑफ मास्क यूज़ करना पसंद नहीं है। एंड आई गेस ये पील ऑफ मास्क ऐसे ही रखा रह जाना है क्योंकि मोस्टली ऐसे ही होता है, मैं पील ऑफ मास्क एक से दो बार अगर यूज़ कर लूँ और जब एक बार खींच के ऐसे निकालती हूँ ना तो कुछ टाइम के लिए तो मैं कान पकड़ लेती हूँ कि अब मैं ट्राई नहीं करूँगी। बट मेरा काम ही यही है कि ट्राई करने का है कैसा क्या है। पर मैंने इसको लगाया तो मुझे इतना कुछ खास रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा था, बट मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी निकालने में, मेरे प्राण निकल गए थे। स्किन देख लो अभी यहाँ पे थोड़ा सा स्किन पिंकिश ग्लोई सा लग रहा होगा, बट मैंने वो खींच खींच के निकाला ना तो मेरी चमड़ी रो रही है यार। अब मास्क लगाने की बारी आती है गुड वाइब्स का पपाया एंड रोज हिप वाला, दो वेरियंट है मेरे पास। मेरे पास और भी वेरियंट है पर अभी मैं ये दोनों यूज़ करने वाली हूँ। और थोड़ा सा बता दूँ, जो रोज़ हिप वाला है ना वो हल्का सा जलता है फेस पे, फिर बाद में नॉर्मल हो जाता है, लेकिन पपाया वाला बिल्कुल भी इरीटेट नहीं करता है। मैं हाफ हाफ लगा रही हूँ। और आप लोग ये बोलते हो ना मेरे से कि यार पूरा दिन यही सब करती रहती हो क्या, और कोई काम नहीं है क्या, पढ़ाई नहीं करती हो क्या? तो गाइज हम लोग पता है घर का, मैं बता रही हूँ पर्सनली अपना बता रही हूँ, सब क्रिएटर्स का अपना अपना सीन होता है। मैं पूरा घर का काम निपटाऊँगी, अपने कॉलेज का जो भी काम है स्टडी का वो निपटाऊँगी, उसके बाद जो मेरे पास टाइम होता है ना उस टाइम में मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ।
और फिर ये वीडियो शूट करके एडिट करके फिर मैं अपलोड करती हूँ। तो ये सारा जो सीन आप देखते हो ना, ये जब मैं फ्री रहती हूँ, मतलब फ्री नहीं कह सकते, मैं टाइम निकाल के ये चीज़ करती हूँ। इतने हम लोग खाली नहीं बैठे होते कि पूरे दिन हम लोग मेकअप के ही अंदर घुसे रहते हैं, स्किन केयर के अंदर ही घुसे रहते हैं। हम लोग की भी लाइफ स्टाइल बिल्कुल आप ही लोगों की जैसे है, बस सीन यही है कि हम बना रहे हैं वो टाइम निकाल के, जैसे आप टाइम निकाल के देखते हो वैसे हम टाइम निकाल के इसको बनाते हैं। तो हमारा कंटेंट जाता रहता है, तो आपको लगता है कि हम दिन भर यही करते होंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप लोग सोचते हो। मैंने भी फेस मास्क लगाया था, साथ ही साथ स्क्रबिंग की थी, जैसा कि आपने देखा। गुड वाइब्स का ही प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया था, कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है यार, गुड वाइब्स का रखा हुआ है, काफ़ी टाइम से रखा है, मुझे सारी चीज़ें फिनिश करनी है, तो हाथ पैर में भी लगा के मैं फिनिश कर जाऊँगी वैसे। एंड लैक्टोकैलामाइन का ये टोनर मैं लगा रही हूँ। एक्चुअली इसमें यहाँ पे ये है ना कि मेरे पास जो टोनर थे ना पहले, वो ख़त्म ही होने वाला है, तो मैंने अपने बॉक्स में सर्च किया, देखा यार कहीं टोनर तो नहीं पड़ा हुआ है, नहीं तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँ टोनर और ऑलरेडी घर में रखा होगा, तो फिर क्या मतलब पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो ये टोनर मेरे पास था तो वो मैंने लगाया लैक्टोकैलामाइन का, और ये गुड वाइब्स का ही ये फेस सीरम है। इसकी पैकिंग मतलब मुझे इतनी अट्रैक्टिव लगती है, मेरे घर में मतलब जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स रखे हैं उनमें से मुझे सबसे ज़्यादा यूनिक और क्लासी पैकिंग इसी की लगती है। इसको भी अभी मैंने स्टार्ट किया यूज़ करना। इसमें से मुझे मतलब मेरे पास इसके दो वेरिएंट है, ये वाला मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, दूसरा वाला वेरिएंट मैं बताऊँगी, वो थोड़ा सा चिपचिपा लगता है, एकदम वाटर के जैसे है। इसको मतलब लगाओ एकदम ईजिली ऐसे ब्लेंड हो जाता है ना, और एक अच्छा सा शाइन भी देता है कुछ टाइम के लिए, बाकी उसके बाद तो स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, आपको मतलब दिख रहा होगा शाइन, अभी दिख रहा होगा लाइट पड़ने पे। बहुत से लोगों ने वैसे अंदाज़ा लगा लिया होगा, अगर नहीं लगा पाए तो मैं बता दूँ, जहाँ पे मैं बैठी हूँ उसके ठीक सामने खिड़की है और एकदम नेचुरल लाइट पड़ रही है, और उसी लाइट में मैं शूट कर रही हूँ। कुछ दिनों की नींद पूरी ना होने से ना डार्क सर्कल्स भी मेरे दिख रहे हैं, नींद पूरी करूँगी ना तो वो ठीक हो जाएगा। और यह स्विस ब्यूटी का किस कैंडी लिप बाम, आज की वीडियो में अगर कोई प्रोडक्ट मुझे हाईली रिकमेंड करना है ना, तो ये स्विस ब्यूटी का किस कैंडी लिप बाम बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, ग्लॉसी सा इफेक्ट देता है, और मैंने वीडियो में रिकमेंड भी किया है। हाँ, वो स्पॉन्सर्ड वाली वीडियो थी जिसमें मैंने इनको रिकमेंड किया था, बट गाइज उसमें जो लिंक्स होती है ना वो स्पॉन्सर्ड होती हैं, प्रोडक्ट तो मैंने खुद के खरीदे थे। और ये है इनहेंस स्किन केयर की सनस्क्रीन, ये भी मुझे ब्रांड ने भेजी थी, जो कि मुझे पर्सनली खुद पसंद आई। थोड़ा सा टाइम लेता है, बिट ऑयली है, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा स्किन में एब्जॉर्ब होने के बाद, उसके बाद ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लगता, बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगता है। अगर ऑयली लगता है, व्हाट आई यूज़ टू डू, कभी भी मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ अगर मुझे अपना फेस ऑयली लगता है ना, तो हल्का सा जो टेल्कम पाउडर होता है ना वो मैं अपने फेस पे कर लेती हूँ एकदम हल्का सा, तो सारी चीज़ एकदम सेटल सी हो जाती है फेस पे। काफ़ी वीडियोस में बोला है, वापस से मैं बोलना चाहूँगी कि अपना जो भी आप स्किन केयर करते हो ना, तो प्रोडक्ट को आप बहुत ज़्यादा चेंज मत करो। हम कर रहे हैं, हमारा काम है, इसीलिए हम करते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है, जो आपको सूट करता है आप उसको यूज़ करो। इफ़ इन केस अगर रिक्वायरमेंट है किसी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट की, तो उसका बहुत डिटेल में रिव्यू चेक करो, उसके बाद ही पैसे इन्वेस्ट करना। अभी जब मैंने सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट किया ना, तो मैंने एक बार भी क्लिप को कट नहीं किया है, ताकि आपको समझ में आए कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ब्लेंड होने के बाद ये जो सनस्क्रीन है कैसा इफेक्ट देती है, ग्लोई सी लग रही है ना स्किन। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी ऑयली लगता है ना, तो टेल्कम पाउडर लगा लेना, अदरवाइज़ इससे भी चल जाएगा। फाइनली मेरा स्किन केयर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ये बैक कैमरा का पूरा सीन आप देख रहे थे, ये फ्रंट कैमरा से कुछ ऐसा दिखाई देता है। सारे प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा।